हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी गाइड ट्यूटोरियल्स। आप सभी दोस्तों का मेरे चैनल स्टडी गाइड ट्यूटोरियल्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइज, ऑलरेडी हम जो है 15 क्वेश्चंस अरिथमेटिक के कवर कर चुके हैं। अब बारी है अगेन 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने की, ताकि आप लोग के कॉन्सेप्ट्स और ज्यादा स्ट्रांग हो और आपका अरिथमेटिक का डर जो है बिल्कुल अच्छी तरह से जो है बिल्कुल खत्म हो जाए। तो यहाँ पर अगेन मैं आपके साथ 5 क्वेश्चन डिस्कस करूंगी, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, और इनको सॉल्व करने के बाद आप लोग काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस फील करोगे। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है कि आप लोग को राइट अप्रोच पता होनी चाहिए, कैसे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करना है और विदाउट प्रेशर एग्जाम में सॉल्व करना है। तो वो यूनिक टेक्निक मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी, और साथ में जो कमेंट सेक्शन में आप लोग को होमवर्क क्वेश्चन दिया जाएगा उसका करेक्ट आंसर मुझे जो है कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आप लोग मुझसे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन करना चाहते हो मुझे, तो लिंक पे जो है आपको डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दे रखा है टेलीग्राम ग्रुप का, तो वहां से आप मुझे ज्वाइन कर लीजिए। और उसके साथ साथ जो है अगर आप अनअकैडमी पे भी मेरे साथ पढ़ना चाहते हो, तो अनअकैडमी में मेरे कई सारे प्लस कोर्सेज हैं और कई सारे जो है फ्री कोर्सेज है, उनको आप फॉलो कर सकते हो। एक 150 अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम्स का कोर्स है, जो कि काफी अच्छा जो है वहां पर मैंने कोर्स अपलोड किया है, काफी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को उससे बेनिफिट हुआ है, बहुत सारे रिव्यूज है, बहुत सारी रेटिंग्स है, आप देख सकते हो वहां से। और उसके साथ साथ अगर आपको अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन चाहिए, तो मेरा रेफरल कोड जो कि आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, कोड चौधरी मोना 23-39, उसको यूज कीजिए और 10% का जो है डिस्काउंट आप जरूर लीजिए। तो चलिए गाइस, अगेन स्टार्ट करते हैं 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिनको सॉल्व करने का राइट अप्रोच मैं आपको यहां पर बताने वाली हूं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन दे रखा है, ये बोर्ड्स एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है, देखने में थोड़ा सा अटपटा सा है लेकिन बहुत आसानी से हम सॉल्व कर लेंगे। अ मैन टेक्स 3 hours and 45 minutes टू बोट 15 kilometers विद द करेंट इन द रिवर एंड 2 hours 30 minutes टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 5 kilometers अगेंस्ट द करेंट। अब देखो, मैंने आपको एक चीज बताई है कि सपोज ये जो है ये मेरी नदी है, ठीक है, और यहां पर मेरी बोट है। अगर बोट जो है वो नदी के डायरेक्शन में ही चलती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डाउनस्ट्रीम, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में चलती है तो उसको क्या बोलते हैं, अपस्ट्रीम। हमेशा डाउनस्ट्रीम का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स प्लस वाई, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम। और यहाँ पर डाउनस्ट्रीम की स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स माइनस वाई, मतलब स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम। अब यहाँ पर क्या दे रखा है कि जो बोट है, जो व्यक्ति है, ठीक है, यहाँ पर मैन की बात करी गई है, मैन ले लो, बोट ले लो, कुछ भी एक ही बात है। तो जो मैन है उसको 3 घंटे 45 मिनट लग रहे हैं 15 किलोमीटर विद द करंट जाने में, मतलब पानी के बहाव के साथ जाने में, मतलब डाउनस्ट्रीम। और डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या होती है, अगर आप देखो डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितना है यहाँ पर 15 किलोमीटर, और टाइम क्या है 3 hours 45 minutes, मतलब आप लिख सकते हो 3 by 4 hours, मतलब आप क्या लिख सकते हो 15 by 4 hours। तो हमने इसको जो है 15 by 4 लिखा तो 4 तो ऊपर चला गया, दैट इज इक्वल टू हमारे पास जो है वो डाउनस्ट्रीम स्पीड कितनी आई 4 kilometers per hour। और अपस्ट्रीम स्पीड क्या होती है यहाँ पर, अगेन डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, डिस्टेंस कितना है 5 kilometers 2 hours 30 minutes में करता है, तो मतलब 2.5 घंटे में, मतलब 5/2 लिख सकते हो, तो 5/2, तो ये हो गया हमारे पास, दैट इज इक्वल टू हमारे पास आया यहाँ पर 2 kilometers per hour। तो x प्लस वाई की वैल्यू 4 है और x माइनस वाई की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2 है, ठीक है, इस तरीके से हम करते हैं, x प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास 4 है और x प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास क्या है यहाँ पर 2 है, तो हम कैसे करेंगे, इन दोनों को एड कर दो, ठीक है, इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर आपके पास क्या हो गया, 2x = 6 और x की वैल्यू 3 आ गई। अगर x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो यहाँ पर ये तो पूछा गया है, यहाँ पर स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर या स्पीड ऑफ मैन कुछ भी कर लो यहाँ पर, इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ द करंट रिस्पेक्टिवली। तो स्पीड ऑफ बोट कितनी हो गई यहाँ पर हमारे पास 3 हो गई, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितनी हो गई, मतलब करंट, दैट इज इक्वल टू 1 kilometers per hour। तो क्वेश्चन देखा, घबराना नहीं है, बहुत आसान से क्वेश्चन है जो आप आसानी से जो है अपने कंसेप्ट के द्वारा सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इसी में बोट्स एंड स्ट्रीम में एक और जो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है वो ये है, अ बोट गोज 30 kilometers अपस्ट्रीम एंड 44 kilometers डाउनस्ट्रीम इन 10 hours, इन 13 hours इट कैन गो 40 kilometers अपस्ट्रीम एंड 55 kilometers डाउनस्ट्रीम, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम एंड दैट ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। अब जब ऐसा क्वेश्चन आता है ना, हम एग्जाम में जो है बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं या फिर इस इजी क्वेश्चन को छोड़ आते हैं। देखो यहाँ पर जो है टोटल टाइम दे रखा है पहले केस में कि उसे 10 घंटे लग रहे हैं, मतलब कि अपस्ट्रीम टाइम प्लस डाउनस्ट्रीम टाइम इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लिख देंगे इज इक्वल टू 10 hours, ठीक है, या फिर हम लिख सकते हैं अब टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 30 अपॉन स्पीड अगर हम मान ले u ही है, ठीक है ना, अपस्ट्रीम की, और डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस कितना है 44, और इसको हम मान ले d है, इज इक्वल टू 10। पहली इक्वेशन ये बन गई। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी हमारे पास कि 13 घंटे में ये 40 kilometers तो अपस्ट्रीम जाता है और यहाँ पर 55 kilometers ये डाउनस्ट्रीम जाता है।
तो गाइज जब ऐसा क्वेश्चन है ना, आपको ज्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, आप लोगों को यहाँ पर किसी भी एक चीज का, जैसे कि आप चाहे अपस्ट्रीम ले लो, चाहे आप लोग डाउनस्ट्रीम ले लो, जैसे कि चाहे आप इन दोनों का एचसीएफ ले लो, चाहे इन दोनों का एचसीएफ ले लो, किसी एक का ले लो। सपोज मैं यहाँ पर डाउनस्ट्रीम का एचसीएफ ले लेती हूँ, तो 44 और 55 का एचसीएफ क्या होगा, याद रखना है, एचसीएफ बोल रही हूँ, एलसीएम नहीं बोल रही हूँ। तो इसका हाइएस्ट जो कॉमन फैक्टर होगा दैट इज इक्वल टू 11, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास हो गया ये 4 और ये 5 टाइम्स चला गया, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ गया, 11 आ गया। मतलब कि अगर हम d की वैल्यू 11 पुट अप कर दें तो u की वैल्यू क्या आएगी, 30 अपॉन u इज प्लस 11, यहाँ पर आपके पास 11 पुट अप करोगे तो 4 आएगा, 44 बाई 11 इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 10, 30 बाई u इज इक्वल टू 6, मतलब u की वैल्यू क्या आएगी, 5 आएगी ना। मतलब अब चाहे आप दूसरी इक्वेशन में पुट अप करके देख लो, यहाँ पर अगर हम पुट अप करें तो 40/5 और प्लस 55/11 कितना होगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 8 और ये होगा 5, दैट इज इक्वल टू 13। मतलब बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है हमारी इक्वेशन को और हमारा करेक्ट आंसर हमें आ चुका है। यहाँ पर क्या पूछा गया, स्पीड और स्ट्रीम। अब देखो स्पीड और स्ट्रीम हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, अब चलिए इसको मैं मिटा देती हूँ। यहाँ पर इतना काम हो चुका है, डी की वैल्यू 11 आ चुकी है और यू की वैल्यू हमारे पास 5 आ चुकी है, ठीक है। सॉरी इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर तो d की वैल्यू 11 और u की वैल्यू 5 हो गई, तो हमारे पास जो है स्पीड ऑफ बोट क्या होता है, d प्लस u डिवाइड बाय 2, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितना होगा, d माइनस u डिवाइड बाय 2, तो कितना हो जाएगा, 5 प्लस 11 दैट इज इक्वल टू 16, 16 बाय 2 दैट इज इक्वल टू 8, और 5 माइनस 11 दैट इज इक्वल टू 6, और 6 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 3। हमारा करेक्ट आंसर आ गया, x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू 3। तो ये वाला जब क्वेश्चन आए ना, आप लोग को घबराना नहीं है, ये वाले क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं, लेकिन क्योंकि आप लोग स्मार्ट हो, आप लोग जो है आप लोग को टेक्निक्स पता है, ट्रिक्स पता है, तो इस तरह से टाइम वेस्ट आप लोग को नहीं करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगेन काफी लेंथी क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, हो सकता है कई लोग वीडियो बंद कर दे, लेकिन अगर आप लोग को ये क्वेश्चन आ गया ना, समझ लो टाइम एंड वर्क का पूरा कंसेप्ट आप लोग का क्लियर है। दे रखा है 2% ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ वर्क इन 30 डेज, दो लोग हैं ए और बी जो कि 32 डेज में काम करते हैं, दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर एंड आफ्टर वर्किंग 8 डेज। अब देखो हम क्या करेंगे, वर्क की एक लाइन बना लेंगे, ठीक है, कि ए और बी ने अपना काम स्टार्ट किया और 8 दिन बाद जो है सी ने उसे ज्वाइन कर लिया, तो हम लिख देते हैं कि 8 दिन बाद ए बी सी हो जाएंगे, ठीक है, और उसकी जो इफिशियंसी होगी वो क्या होगी, 3/4 ऑफ दैट ऑफ बी, एंड दे वर्क टुगेदर फॉर 2 डेज, और ए बी और सी ने 2 दिन तक काम किया, ठीक है। आफ्टर दिस बी लेफ्ट एंड रिमेनिंग जॉब इज डन बाय ए एंड थर्ड पर्सन सी, मतलब बी ने छोड़ दिया तो बचा कौन कौन, ए और सी बचा। अगर दे रखा है कि बी अलोन जो है वो 48 डेज में काम करता है, तो आपको टोटल नंबर ऑफ डेज फाइंड आउट करने की, मतलब आपको ये नंबर ऑफ डेज पता लग जाए ना यहाँ पर, तो आप टोटल नंबर ऑफ डेज फाइंड आउट कर सकते हो। तो चलिए गाइस एक चीज यहाँ पर दे रखे कि ए और बी जो है वो 32 डेज में काम करते हैं, ठीक है, और जो सिर्फ बी है वो कितने दिन में काम कर रहा है, यहाँ पर 48 डेज में काम कर रहा है। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं ना एलसीएम लेकर, दैट इज टोटल यूनिट ऑफ वर्क कितना आ जाएगा हमारे पास, 96 यूनिट आ जाएगा, ठीक है, इसको आप कर दीजिए 96 यूनिट, और यहाँ पर जो है हमारे पास 96 यूनिट आ गया, तो इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 3 और 2 की इफिशियंसी हमारे पास हो गई, कि ए और बी की तो 3 है और बी की 2 है, अगर ए और बी की 3 और बी की 2 है तो ए की कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट हो जाएगी। और यहाँ पे क्या दे रखा है, सी जिसकी इफिशियंसी क्या है, 3/4 ऑफ दैट ऑफ बी, मतलब सी की इफिशियंसी क्या हो जाएगी, 3/4 ऑफ बी की इफिशियंसी क्या है, 2, दैट इज इक्वल टू 3/2, मतलब 1.5 हो गई, ठीक है। अब चलो इफिशियंसी तीनों की पता लग गई, ए बी और सी तीनों की इफिशियंसी हमें पता लग गई है। अगर आप देखो कि ए और बी ने 8 दिन तक काम किया, ठीक है, तो ए और बी के एक दिन की इफिशियंसी कितनी है, 3 यूनिट की है, तो 8 दिन की कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 8 × 3 दैट इज इक्वल टू 24 यूनिट्स की हो जाएगी, मतलब रिमेनिंग कितना हो जाएगा वर्क, 96 − 24, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 72 यूनिट्स। अब क्या हो रहा है, ए बी सी ने 2 दिन तक काम किया, तो ए और बी की तो हमें पता है 3 है और सी की कितनी है, 1.5 है, दैट इज 4.5 हो गई टोटल इफिशियंसी, और इन्होंने 2 दिन तक काम किया मतलब 9 यूनिट का काम किया, तो इसमें से 9 यूनिट्स भी सब्ट्रैक्ट कर दो, बचा के कितना, 63 यूनिट्स बचा। और क्या दे रखा है कि लास्ट में ए और सी ने काम किया, अब देखो ए और सी ने कितने दिन काम किया ये तो नहीं पता, लेकिन ए और सी की इफिशियंसी पता है कि ए की 1 है और सी की 1.5 है, मतलब कितनी इफिशियंसी हो गई, 2.5 हो गई। हमें पता है टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन इफिशियंसी, तो वर्क अपॉन 2.5 आप क्या लिख सकते हो, 5/2 लिख सकते हो, ठीक है, दैट इज इक्वल टू आपके पास आएगा 25 एंड हाफ डेज, ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा।
इस तरह से आप सॉल्व करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा। अब देखो हमने ये फाइंड आउट कर लिया कि 25 हाफ डेज इसको लग रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, अभी हमारे पास जो है इतना दिन पता लग गया कि 25.5 दिन यहाँ पर लग रहे हैं, तो टोटल डेज कितने लगेंगे, यहाँ पर 8+2 डेट इज 10 भी है ना, तो टोटल डेज कितने लगेंगे, 35.5 डेज आपका करेक्ट आंसर आ गया। आई होप कि अब आप लोग समझ चुके हैं कि कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। अगर स्टिल आपको डिफिकल्ट लग रहे हैं तो आप लोग को थोड़े से अपने कंसेप्ट को चेंज करना होगा, क्योंकि अगर आप लोग का कंसेप्ट चेंज हो गया ना तो आप लोग के लिए काफी ज्यादा आसान हो जाएगा और ये क्वेश्चन जो है आप लोग को बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं लगेंगे। तो गाइस अगर क्वेश्चन जो है वो लेंथी आता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग जो है कंफ्यूज हो, बिल्कुल भी कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग जो है यहाँ पर अपने कंसेप्ट को क्लियर रखोगे तो आप लोग लेंथी से लेंथी क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अ सर्टेन नंबर ऑफ पीपल वर सपोज टू कंप्लीट अ वर्क इन 24 डेज, द वर्क हाउएवर टुक 32 डेज सिंस 9 पीपल वर एब्सेंट थ्रू आउट, हाउ मेनी पीपल वर सपोज टू बी वर्किंग ओरिजिनली। अब देखो क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान है, आप लोगों को सिंपल एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, MDH/W इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो है ये वाला जो आपको फॉर्मूला पता है तो यहाँ पर वर्क तो सेम है और HR तो यहाँ पर देने रखा, तो हम लिख सकते हैं M1D1 इज इक्वल टू M2D2, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब M1 कितना है, यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर सर्टेन नंबर दे रखा है तो X मान लेते हैं, D1 कितना है 24 डेज है, M2 कितना है यहाँ पर 9 पीपल एब्सेंट है तो X में से 9 चले गए, और D2 कितना है यहाँ पर 32 डेज दे रखे हैं तो 32 कर दिया, तो कितना हो गया 24X इज इक्वल टू 32X माइनस 9×32 लिख सकते हैं, हम इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्या पता आगे कैंसिल आउट हो जाए, तो जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 8X इज इक्वल टू 9×32, ठीक है, या फिर 8 से कैंसिल हो गया, 4 टाइम्स एक्स की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर 36 डेज, ये आपका करेक्ट आंसर आ गया। तो बहुत आसानी से जो है ऐसे क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हो, सिंपल फॉर्मूला है M1D1H1/W1 इज इक्वल टू M2D2H2/W2, अगर वर्क सेम है आर्स नहीं दे रखा तो हम लिख सकते हैं M1D1 इज इक्वल टू M2D2। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसके बाद आप लोग कमेंट सेक्शन में देखिएगा, वहां पर एक क्वेश्चन पिंड अप होगा, उसका सॉल्यूशन जो है जरूर दीजिएगा। तो लास्ट क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है ये एक लर्नर ने मुझसे जो है पिछली वीडियो में पूछा था, तो उसका एक ये आंसर मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, शायद कई लोगों के लिए इजी हो जाए लेकिन कुछ लोगों के लिए यही क्वेश्चन जो है टफ हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है आप लोग को डेज नहीं पता लग रहे हैं जिससे आप लोग टोटल वर्क निकाल लो। तो चलिए कैसे सॉल्व करेंगे आपको बताती हूँ मैं। ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज, दे बिगिन वर्क टुगेदर आफ्टर 4 डेज, शी ऑल्सो ज्वाइंट विद देम एंड कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 12 डेज, हाउ लॉन्ग सी अलोन कैन फिनिश द जॉब। यहाँ पर शी नहीं है, यहाँ पर सी कर देना, ठीक है। अब देखो क्या है, ए और बी जो है वो साथ में 24 दिन में काम करते हैं, तो गाइस जब भी आपको किसी जैसे ए और बी का दे रखा है कि वो 24 दिन में काम कर रहे हैं, ए सिर्फ 18 दिन में काम कर रहा है, तो दोनों को लेकर एलसीएम फाइंड आउट कर लो। लेकिन अगर आपको कोई और नहीं दे रखा तो डायरेक्टली आप लिख लो कि यहाँ पर आप लोग को जो है ए और बी दे रखा है तो टोटल यूनिट ऑफ वर्क कितना होगा, 24 यूनिट होगा, ठीक है। अगर ए और बी 24 यूनिट का काम करते हैं 24 दिन में, तो उनकी इफिशियंसी क्या होगी, ए और बी की इफिशियंसी क्या होगी यहाँ पर, दैट इज इक्वल टू 1 यूनिट की होगी, ठीक है, ये चीज आप लोग समझ जाइए। अब क्या दे रखा है कि उन्होंने काम स्टार्ट किया, चलो यहाँ पर हमने देखा कि उन्होंने काम स्टार्ट किया, इस तरीके से हम लिख देते हैं, ये काम स्टार्ट किया और उसके बाद जो है 4 दिन बाद सी ने भी उन्हें ज्वाइन कर लिया, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ए और बी ने काम स्टार्ट किया, 4 दिन तक इन्होंने काम किया और ए बी सी तीनों ने जो है वो काम कंप्लीट किया, ठीक है, और उन्होंने 12 दिन में काम को फिनिश कर दिया। कितने दिन लगेंगे सी जो है अकेले काम कर ले। अब देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमें पता लग गया कि ए और बी की इफिशिएंसी क्या है, 1 यूनिट की है, तो 4 दिन तक ए और बी काम कर रहे हैं तो 4 यूनिट काम कर लेंगे, टोटल 24 यूनिट का काम था, 4 यूनिट का हो गया तो बचा कितना, 20 यूनिट का काम, ये रिमेनिंग वर्क था। अब ये 20 यूनिट का काम बचा है कौन करेगा, ए बी और सी करेंगे, ए की इफिशियंसी पता है ए और बी की कितनी है यहाँ पर, That is, हमें पता है 1 है, सी की नहीं पता है और टोटल डेज पता है 12 है, तो हम इफिशियंसी का फॉर्मूला लगा सकते हैं वर्क अपॉन टाइम, ठीक है, वर्क कितना है यहाँ पर 20 का है और टाइम कितना लग रहा है 12 दिन का लग रहा है, ठीक है, तो इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 5/3, इफिशियंसी कितनी हो गई 5/3,
ये एफिशिएंसी किसकी हो गई, ए बी और सी की, ठीक है। तो अगर हमें ए और बी को अगर हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है, तो हमें सी की मिल जाएगी, और ए और बी की हमें पता है क्या है, यहाँ पर 1 है, तो दैट इज इक्वल टू 2/3 क्या हो गई, सी की एफिशिएंसी हो गई। अगेन आपको पता लगाने कि सी जो है अकेले कितने दिन में काम कंप्लीट करता है, तो अगेन टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी, वर्क टोटल 24 यूनिट का है और एफिशिएंसी कितनी है 2/3 है, दैट इज इक्वल टू दिस, तो आंसर कितना आ गया, आंसर इज इक्वल टू 36 डेज आपका करेक्ट आंसर आ गया। तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको सिर्फ दो पर्सन का दे रखा है कि वो जो है साथ मिलकर 24 दिन में काम करते हैं, तो कोई भी घबराने वाली बात नहीं है, बहुत आसानी से आप लोग सॉल्व कर लोगे। तो ये अगेन 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको कवर करवाए हैं, प्लीज सॉल्व कीजिए और कमेंट सेक्शन में जो होमवर्क क्वेश्चन पिंड अप होगा उसका जरूर आंसर दीजिए, और इस कोर्स को सीरियसली लेकर चलिए। अगर आप लोग को अभी भी अरिथमेटिक से डर लगता है ना, तो बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा, क्योंकि मैं आप लोग के साथ हूँ और वेराइटी ऑफ क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करूंगी, ताकि एक ही कोर्स में आप लोगों को जो है कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिले और राइट अप्रोच के साथ आप जो है अपना एग्जाम क्लियर कर सके। सो आई होप कि आपने जो है ये 5 क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर लिए हैं, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, सपोर्ट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग का सपोर्ट जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक एडुकेटर के लिए, तो प्लीज उसको जरूर कीजिएगा। और अगर आप लोग मुझसे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन करना चाहते हो, तो टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको मिल जाएगा कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से देखिए और मुझसे डायरेक्टली जुड़ जाइए। सो थैंक यू गाइस, कीप लर्निंग, अच्छे से पढ़ाई करो, और कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे बता सकते हैं। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड कीप लर्निंग।